ये क्या है? बैग? ये कहाँ से गिरा? लगता है ऊपर टेरेस से गिरा है। लेकिन टेरेस पे बैग आया कहाँ से? और फेंका किसने? ये बैग है किसका? चल डब्बू, देखते ना बैग के अंदर क्या है। हाँ चल चल, आराम से देख। डोंट वरी डोंट वरी। ए बच्चों, कोई बैग को टच नहीं करेगा। पीछे आना, पीछे आना, पीछे आना। ये बैग हम लोगों ने नीचे फेंकी है। लेकिन क्यों? हाँ, और इसमें है क्या? अरे सब बाद में आपको डिटेल में बता देंगे चाचा जी। आप कहाँ पर हैं? आप पहले जाके कपड़े बदल लीजिए। हाँ हाँ प्लीज चाचा जी, आपको जुकाम पकड़ लेगा। जाइए जाइए। हाँ चाचा जी प्लीज। देखो लेकिन दादाजी आप पूरे भीग कैसे गए? अरे टप्पू, वो सब बाद में बताएंगे भाई, पहले तुम चाचा जी को लेकर घर पे जाओ। हाँ हाँ दादाजी, आप जल्दी घर चलिए वरना बीमार पड़ जाएंगे और पापा मुझे डांटेंगे। बैग आपने ऊपर से फेंका है, चाचा जी भीग गए, काय चल रहा है सांगा ना। हाँ अब तो बताइए बैग का क्या चक्कर है? हाँ बताता हूँ, सब बताता हूँ। क्या हुआ, हम लोग यहाँ से टेरेस पे गए, दिखा कुछ तो दिखा। इसको अब निकालेंगे कैसे भाई? बैग में क्या होगा क्या पता, किसी ने बॉम्ब रखा होगा। तो कुल मिला के इस बैग की वजह से वो टंकी में से पाइप में पानी नहीं आ रहा था, और ये बैग पानी की टंकी में कैसे पहुंचा ये पता नहीं चला। हाँ इस बैग में है क्या? आप लोगों ने ऊपर खोल के चेक नहीं किया इसके अंदर क्या है? एक काम करते हैं, अभी खोल के देख लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं गोलिया, अभी बोला ना उस पे बम भी हो सकता है, इसलिए तो फेंका नीचे। मैंने लगता है इसमें बम नहीं होगा, क्योंकि जब तूने ऊपर से बैग नीचे फेंकी तब ये बम फट गया होता। Exactly. एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। मालूम उसमें क्या है? उसमें सच्ची मुच्ची में बम फटो। और बैग खोलते बम फट गया तो पुपटला शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे अभी तक किसी ने बैग नहीं खोला। वही चाचा जी, बम के डर से बैग नहीं खोल रहे, क्या पता इसमें बम हो तो। सही बात है। अरे कोई बम बम नहीं है, मैं ही जाके खोलता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, आप मत जाइए प्लीज। दादा जी आप रहने दीजिए, अब बिड़ंगली बैग खोलेंगे। हाँ ये ये। ओ पिडू, ये बैग नहीं खोल पाएगा। ओ पिडू ने तो डर के मारे ऊपर से बैग थल्ले फेंक दिया था। ओ मैं जाके खोलता हूँ इस बैग को। हाँ। संभाल लीजिए। ओ धनिया पिघल नगर साथ में। हाँ मैं तो साथ। थोड़ी आराम से सावकाश। सॉरी भाई, ध्यान रखना प्लीज। एकदम से मत खोलना सोड़ी। क्या हुआ? क्या हुआ? वही आ रहो। वही आ रहो। इसमें तो एक साल पहले जो 1,000 और 500 के नोट बंद हुए थे वो सारे नोट हैं। इतने सारे पुराने नोट, अरे ये तो बहुत बड़ा टेंशन हो गया। हाँ इतने सारे पुराने नोट रखना जुर्म है, जुर्म। सही बात है, अगर पुलिस को पता चल जाएगा तो हम सबको जेल हो सकती है। अरे रुको
फोन है भाई। पुलिस ने पुलिस तो ऐसे गंदे लगता है कोई। ओ मेहता साहब ओ फोन में पुलिस सायरन का रिंगटोन क्यों रखा? अरे भाई नॉर्मली ऐसे रिंगटोन नहीं है, अंजलि के नाम के साथ ये रिंगटोन फीड की है भाई। तेरी लेकिन आए थे क्यों? भाई बीबियां भी तो एकदम पुलिस की तरह हमारी पहरेदारी करती है ना, इसलिए एक मिनट बात कर लूं पहले। अच्छा हाँ हेलो तारक आप कहाँ हैं? यहाँ कंपाउंड में। अभी तक आप बाहर क्या कर रहे हैं? तो भैया बहुत बड़ा टेंशन हो गया, तुम बाहर आ जाओ सब पता चल जाएगा। रुकिए मैं आती हूँ अभी। हाँ क्या है मेहता साहब, आपने तो सबको डरा दिया। वो छोड़ो भाई डरने वाली बात, ये बैग है, पुराने नोटों से भरी हुई बैग हमारी सोसाइटी की टंकी में कहाँ से आई? सही बात है। अरे कहाँ से आई मतलब? अरे बैग अपने आप थोड़ी पानी की टंकी में जाके कूदी होगी, अरे किसी ने रखी होगी ना। हाँ लेकिन रखा है किसने? ओ माय गॉड तारक क्या बात है, क्या हुआ? आप सब लोग इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? अंजलि भाभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ओ हुआ यू के ओ माय गॉड, लेकिन तारक अपने पानी की टंकी में ये पैसे छुपाए किसने होंगे? वो कौन है वो तो पता नहीं, पर एक बार मेरे हत्थे चढ़ गया ना तेनू तो मैं छड्डांगा नहीं। अब बिगाड़ के रख दिया हमारी। लेकिन इतना सारा कैश कौन छुपा सकता है? वो भी 500 और 1000 के नोट जिसको बंद होके एक साल हो भी गए, और वो नोट अभी हमको मिल रहा है, वो भी इतना सारा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, ये सब भीड़ की वजह से हुआ। मेरी वजह से? हाँ। क्या मांजे ना पूर्ण हाथ धुन लग, मेरी क्या गलती है इसमें? मैं बताता हूँ, तूने ये सोसाइटी के टेरेस का दरवाजा खुला रखा, ताला नहीं मारा। अगर ताला मारा होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अरे भाई लेकिन मैंने ताला क्यों नहीं मारा वो मैं तुमको कारण ऊपर बता चुका हूँ पोपटलाल। नहीं कारण मन दे, कारण देने से कुछ नहीं होता है भाई। तू सोसाइटी के टेरेस का दरवाजा खुला रखेगा तो बाहर से कोई भी आदमी आकर सोसाइटी के टेरेस पे कुछ भी रख देगा। पोपट भाई नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ मैं, दिन भर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता हूँ। अरे भाई तू दिन में ध्यान रखता है, रात का क्या? रात को सब सो जाते हैं, उसके बाद कोई भी आदमी आके कुछ भी कर सकता है। ये सारी चीजों की जिम्मेदारी सोसाइटी के सेक्रेटरी की है। तो तुम क्या चाहते हो, एज अ सेक्रेटरी में भी चौकीदारी करूं सोसाइटी की? एक मिनट मेरा बात सुनो। देखो ये पैसों का बैग हमारे सोसाइटी की पानी का टंकी में से मिला है, तो हो सकता है जितने भी पानी का टंकी में ये बैग छुपा के रखा हो वो बाहर का नहीं हमारे सोसाइटी का ही हो। पिछले साल नोटबंदी के पहले भिड़े के गांव से उसके कुछ रिश्तेदार आए थे और उनके पास बहुत सारे पैसे थे। भिड़े कहीं ये बैग तूने तो नहीं छुपाया? एक जिबे लगे हार्ड पोपटलाल, एक मिडिल क्लास आदमी हूँ मैं, मेरे पास इतना कैश कहाँ से आएगा? मेरे सपने में भी इतने पैसे नहीं आते भाई। अब पता चला पोपटलाल कि तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई ना सिर्फ कुछ भी बक रहे हो तुम। ओ भाई ओ भिड़े तू बार बार मेरी शादी के बारे में मत बोल। मेरी ओ भाई ओए अरे पोपटलाल शांत हो जाओ ना भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, समस्या क्या है, तुम क्या बहस कर रहे हो? और पोपटलाल भिड़े ऐसा कतई नहीं कर सकता। तो और कौन कर सकता है? मैं तो बोलता हूँ कि ये पैसे पोपटलाल ने छुपाए। मैंने? हाँ मैंने। अरे भाई मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। तुम एक ईमानदार पत्रकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। आ सकते हैं क्यों नहीं आ सकते, हो सकता है किसी बड़े नेता या बिजनेसमैन के बारे में तुम्हें कोई ऐसी जानकारी मिली हो जो दुनिया के सामने आ जाए तो वो नेता बर्बाद हो जाए, और जिसको छुपाने के लिए तुम्हें बहुत सारा कैश मिला हो और वो तुमने छुपाया हो। क्या बोल रहा तू भिड़े, मैं रिश्वत लेता हूँ। अरे मैंने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली है, कभी नहीं ली है। तो इस बात का गर्व हो रहा है क्या, अफसोस हो रहा है? अरे गर्व हो रहा है गर्व, मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा ईमानदार पत्रकार हूँ, मैं अपने अखबार की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली है, ना ही ये पैसे लिए हैं, ना ही ये बैग वाले टंकी में रखा है। ओ पिड़ो, ओ पोपू के पास रिचार्ज करने का तो पैसा होता नहीं है, तो पैसों से भरा ये बैग उसका कैसे हो सकता? बिल्कुल बराबर है, ये पैसे मेरे नहीं है लेकिन तेरे हो सकते हैं भाई। पोपू मैं तेरे को बचा रहा हूँ और तू मेरे को मरवा रहा है यार। और मैं एक ईमानदार मैकेनिक हूँ और मैं सारी पेमेंट या तो चेक से लेता हूँ या कार्ड से लेता हूँ। बहुत अच्छा करते हो। अरे आप लोग मेरे को ऐसा क्यों देख रहे हो,
अरे मैं तो कबाड़ में अपने कपड़े भी ठीक से नहीं रख सकता है, तो इतना बड़ा पैसों का बैग टाकी में कैसे रखेगा? और मेरे पास इतना सारा कैश कैसे आ सकता है? मेरा सैलरी तो चेक में आता है, नहीं बबीता? हाँ, exactly. और इससे पहले कि आप लोग मुझसे पूछे या मुझ पे शक करें, मैं बता दूं कि ये पैसे मैंने आगे कतई नहीं रखे हैं, और मैं तो रख भी नहीं सकता भाई। लेखक के पास इतना पैसा कहां से आएगा? बहुत मेहनत कराई जाती है एक लेखक से, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। और भाई मैं भी क्लियर कर देता हूं कि ये पैसे मैंने नहीं रखे। अगर इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं अपना एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल लेता। और अगर हॉस्पिटल नहीं भी खोलते तो भी पापा टंकी तक ऊपर चढ़कर पैसे रखने नहीं जाते। सही बात है, पॉइंट है। अब्दुल पोपट भाई, कसम खुदा की ये बैग मेरा नहीं है। मैं गोकुल धाम के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन ऐसी हरकत नहीं कर सकता। पोपट भाई, अब्दुल भाई बिल्कुल ऐसा काम नहीं कर सकते। पोपट भाई, आप अब्दुल भाई पे ऐसे शक मत करो। मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, ये मामला ऐसा है, इसलिए मतलब सबसे पूछ लेना एक बार बेहतर है, इसलिए पूछा मैंने। हम में से अगर किसी ने पैसे नहीं छुपाए तो फिर किसने छुपाए? ये भिंडी मास्टर, तुम मुझे क्यों ऐसे देख रहे? अंकल, आप दादाजी पे शक कर रहे हो? अंकल, तुम उसमें शक कर रहे? नहीं नहीं, सॉरी चाचा जी, ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था मेरा, वो गलती से देख लिया था। चलो एक काम करते हैं, हम सब कसम खाते हैं। हाँ, हम सब कसम खाते हैं, हम सब कसम खाते हैं कि हम में से, कि हम में से ये बैग टंकी में किसी ने नहीं छुपाया, ये बैग टंकी में किसी ने नहीं छुपाया। तो फिर ये बैग है किसका? इसका जवाब शायद इस बैग में से ही मिल सकता है। अब्दुल, मिल गया। देखिए इस बैग पर जे लिखा। मतलब जे अक्षर के साथ इस बैग का कोई कनेक्शन है। जे? जे? हो सकता है कि ये कंपनी का लोगो हो। हाँ। या ये भी हो सकता है कि ये बैग जिसका हो उसका नाम जे से शुरू होता हो। भाभी, हो सकता है। एक आदमी है जिसका नाम जे से शुरू होता है और वो अभी इस समय हमारे साथ भी नहीं है, और उसका नाम है जयडाला। अय्यर अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हो? जे पे से बहुत सारे लोगों के नाम है, जगदीश, जॉन, जैक। जैसे तो कोई लड़की का भी तो नाम हो सकता है ना, जैकलिन, जेनी, जागृति। Yes, correct. आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि जे अक्षर से मेरे पापा का ही नाम होगा? हाँ। और टप्पू गोली, तुमने जो जो नाम लिए हैं वो सब हमारे सोसाइटी में नहीं रहता है, और ये बैग हमारी सोसाइटी की टाकी में से मिला है, और जेठालाल हमारा सोसाइटी में रहता है। याद है नोटबंदी के बाद भी वो बहुत सारा कैश इधर उधर लेकर घूम रहा था। उसमें पैसे है। पैसे? पूरी बैग भर के कैश? 50 लाख। सब 500,000 के नोट है। अरे वो तो उसको फंसाया गया था। बाकी मैं छाती टोक के कह सकता हूँ कि ये पैसे जेजिया के नहीं है, मुझे उसमें पूरा भरोसा। दादाजी एकदम बराबर बोल रहे, ये पैसे मेरे पापा के हो ही नहीं सकते। टप्पू, तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मैं पापा को बचपन से जानता हूँ, और आप उन्हें बड़े होने के बाद से जानते हो। टप्पू, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, ये बात जेठालाल को बोलनी पड़ेगी कि ये बैग उसका नहीं है। हाँ। ठीक है, तो मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। फोन कर और फोन स्पीकर पे रखना, ताकि सबको सुनाई दे। देखा, जेठालाल फोन भी स्विच ऑफ करके बैठा है।
अरे भाई तू शांति रख, टप्पू वापस लगा। हाँ मैं फिर से ट्राई करता हूँ। मेरा डाउट यकीन में बदल रहा है कि यह पैसा जेठालाल का ही है और उसी ने पानी की टाकी में छुपा कर रखा था और बाद में नोटबंदी हुआ तो उसने डर के मारे ये पैसा पानी की टाकी से निकाला नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। हो सकता है? नहीं 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 कैसे हो सकता है सोडी, क्या बात कर रहा है यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई। जेठालाल एक व्यापारी है लेकिन ईमानदार व्यापारी है, जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता। मेहता साहब आप जेठालाल के परम मित्र है, उसके प्रति सहानुभूति होना। अरे सहानुभूति क्या होता है भिड़े, सहानुभूति क्या है, सत्य है। मैंने तुम्हारे लिए भी कहा था ना कि भिड़े ऐसा नहीं कर सकता, जो सत्य है वो सत्य है, जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता। जेठे ऐसा नहीं कर सकता। चाचा जी हम सब लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन मेरा कोई जेठालाल पर भरोसा नहीं है। कल सवेरे जेठे वापिस आ ही रहा है, उसके आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें कल सुबह तक यानी कि जेठालाल के आने तक की राह देखनी चाहिए, सब क्लियर हो जाएगा ना। सही बात है। बराबर। नहीं नहीं वो ठीक है, जेठालाल के आने के बाद उसको पूछ लेंगे लेकिन तब तक ये पैसा रखेगा कौन? अरे कौन रखेगा मतलब, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तू ये पैसे रखेगा? अरे मैं क्यों रखूं, जब ये पैसे मेरे नहीं तो मैं क्यों रखूं, तुम रख लो ना। मैं क्यों रखूं भाई पुराने नोट, नहीं होते तो रख लेते। अरे भाई मैं रखूं ही क्यों पुराने या नए, समझो ये पैसे मैंने रख लिए और मेरे घर पे रेट पड़ गए, मेरा नाम अखबार में आ जाएगा तो मुझे तो शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी। शादी नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं रख सकता भाई। भाई यारो फिर तो एक काम करते हैं, ये पैसा पुलिस को ही दे आते हैं, फिर हमें कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। हाँ ये सारी आइडिया अच्छा। हाँ 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 पुलिस स्टेशन चलते, चलिए। नहीं 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 पुलिस स्टेशन नहीं जाना है टप्पू। क्यों पिडू, पुलिस के पास जाने से क्यों मना कर रहा है? अरे भाई पुलिस पे जाएंगे तो हम लोग सब फंस जाएंगे और एक में सेक्रेटरी होने के नाते बार बार मुझे चक्कर काटने पड़ेंगे पुलिस स्टेशन के। नन्ही भिड़े एक और बात है भाई, मैं 100% कह सकता हूँ ये पैसे जेठालाल के नहीं है लेकिन भगवान न करे इन पैसों से जेठालाल का कोई संबंध निकल आया तो जेठालाल भी तो फंस सकता है भाई। तो यारो फिर एक काम करते हैं, ये पैसा यहीं कंपाउंड में छोड़ के जाते हैं। ऐसे कैसे छोड़ के चले जाए सोनी भाई, कोई लेके गया तो अच्छा है ना यारो, अपनी सोसाइटी से ये बलाई टलेगी। बल्ला नहीं टलेगी सोड़ी, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? जो आदमी ये बैग यहाँ से लेके जाएगा वो अगर पुलिस के हाथों लग गया और पूछताछ में उसे बता दिया कि उसे ये बैग गोकुलधाम सोसाइटी से मिली है तो पुलिस तो हम सबको पकड़ के जेल में डाल देगी। पोपटलाल की बात ठीक है और वैसे भी भाई नोटबंदी के बाद पुराने नोट रखना गुनाह, और इतने सारे नोट अगर पुलिस को पता चल गया तो सब के सब लोग जेल में जाएंगे। नहीं 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 हमें जेल में नहीं जाना। नहीं, नहीं। भाई ये सब बात छोड़िए और सोचिए कि ये पैसे कौन रखेगा। 500,000 के पुराने नोट, नोट से भरा हुआ बैग, बैग मिला गोकुलधाम सोसाइटी की पानी की टंकी में। मैं जानता हूँ कि पुराने नोट देख के हमारे ही नहीं आपके भी होश उड़ गए। बीच सड़क पे सामने शेर जब आ जाए तो कैसा हाल होगा, उससे ज्यादा कहीं टेंशन इस वक्त हम गोकुलधाम निवासियों को। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि यहाँ हर टेंशन इसीलिए होता है क्योंकि आपके घरों में हंसी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पुराने नोट कहाँ से आए, ये बैग पानी की टंकी में पहुंचाया किसने, फेंका किसने? हम गोकुलधाम निवासियों में से तो कोई नहीं, हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं सिवाय जेठालाल के, कहीं जेठालाल का ये बैग तो नहीं। भाई सवाल बहुत सारे और सबसे बड़ा सवाल है हमारे डर का, डर है कि कहीं पुलिस को पता चल गया कि पुराने नोट हमारे पास है तो हम सारे लोग हवालात में होंगे। तमाम सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, नोट का बैग किसका है, टंकी में गया कैसे, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।